So in my last lecture, I discussed about the theoretical aspect of radical plane, coaxial system of spheres, and all that. And I explained what radical plane means and how we can construct a radical axis, radical plane, and how we can construct a coaxial system of spheres. Now, in this video, we are discussing the problems relating to that particular topic. First of all, the first question is, find the equation of a radical plane of the spheres x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 is equal to 0. And the second equation of a sphere is x square plus y square plus z square minus 6y minus 6z plus 6 is equal to 0. As per according to the definition, मैंने आपको बताया था कि radical plane किस तरह से निकाला जाता है कि कोई भी जो spheres होते हैं हम उनके बीच में उनका difference find out कर लेते हैं. इस बात से कोई matter नहीं करता कि आप difference किस order में find out कर सकते हैं. Suppose जैसे ये दो spheres हैं मेरे पास, मैंने एक का नाम s1 रख लिया, दूसरे का नाम s2 रख लिया. Either I find s1 minus s2 or s2 minus s1, I will get the same results. So it doesn't make any difference. But here I subtract s2 from s1. So on subtracting 2 from 1, comma, what we will get? So x square se cancel out ho jayega, y square se cancel out ho jayega, z square se cancel out ho jayega. Idhar x ka component hai, par idhar nahi hai. To akela 3x aa gaya hamare paas. Idhar y ka component minus 3y hai. Idhar minus 6y hai. To jab hum subtract karte hain, to hamare yahan ke jo signs hain, wo kya ho jate hain? Change ho jate hain. तो अगर साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे तो ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा. तो प्लस 6y माइनस 3y व्हाट विल गिव अस प्लस 3y. एंड इन अ सेम वे हमारे पास यहाँ पे ऊपर z वाला कोई कंपोनेंट नहीं है पर यहाँ पे माइनस 6z है तो यहाँ पे अगेन इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो व्हाट वी विल गेट प्लस 6z इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने देखा 3 कॉमन आ रहा है. इनकेस अगर हमारा एक्स जो है वो कॉमन माइनस आ रहा हो तो उसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. तो एक्स के साथ हमने यहाँ पे देखा कि 3 है और 3 तीनों के पास हमें देखा कि कॉमन आ रहा है तो हम 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इक्वेशन ऑफ अ रेडिकल प्लेन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0. तो कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपको इसमें से पूछा जा सकता है. या तो आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, दैट आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. इस वीडियो में मैं यहाँ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं सारी की सारी उनको डिस्कस कर रही हूँ. सो अगर आपको कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करने का तो वो क्या होगा, इस तरह से ही होगा. इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 3 स्फीयर्स दिए होते है ना और पूछा जाता है कि क्या वो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल फॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता है कि उन सबके पास सेम रेडिकल प्लेन होता है. तो हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे. मान लो कि 3 स्फीयर्स हैं और मैंने उनका नाम s1 s2 s3 रख दिया तो s1 माइनस s2 s2 माइनस s3 और s3 माइनस s1 जो है उनके प्लेन्स जो है वो हमारे पास क्या आने चाहिए बेटा, सेम आने चाहिए. सो फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज find the axis of radical plane of the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 6z minus 6 is equal to 0 and second equation of a sphere is 2 into x square plus y square plus z square minus 3y minus 5 is equal to 0. सबसे पहला काम तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये दो स्फीयर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं तो हमें इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ अ रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करना है. तो हमें पता ही है कि रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ही क्या है कि अगर आपके पास दो स्फीयर्स हैं तो उन दोनों स्फीयर्स का क्या फाइंड आउट कर लीजिए, डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो यहाँ पे सेम रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में है. अब अगर ये लॉन्ग की कैटेगरी में आना है तो इसमें वो डेफिनेटली आपसे कुछ और भी पूछेगा. सो नेक्स्ट इसमें उसने क्या चीज हमसे पूछी कि हेंस शो दैट द गिवन स्फीयर्स इंटरसेक्ट इन अ सर्कल. अब हमें ये भी शो करके दिखाना है कि जो दोनों स्फीयर्स हैं वो सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां क्या फॉर्म हो रहा है, सर्कल फॉर्म हो रहा है. तो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी हैड सीन दैट कि सर्कल का फॉर्म होता है हमारे पास जब पर्टिकुलरली एक प्लेन जो है किसी स्फीयर को क्या करता है, कट करता है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेडिकल प्लेन तो आ ही रहा है हमारे पास. अगर रेडिकल प्लेन आ रहा है इन दोनों स्फीयर्स के द्वारा तो दैट मीन्स कि वो रेडिकल प्लेन जो है वो इनको कट कर रहा है. ठीक है, और अगर वो इनको कट कर रहा है तो वहां पे क्या फॉर्म होना चाहिए, सर्कल फॉर्म होना चाहिए. ठीक है ना, तो इनकेस अगर मैंने ये प्रूव करना है कि वो सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इट इज अंडरस्टूड
कि जो प्लेन है उसे क्या करना है, उसे सिर्फ टच करके नहीं जाना, स्फीयर को मीट करके नहीं जाना एट वन पॉइंट, उसे क्या करना है, उसे स्फीयर को कट करना है. और क्योंकि वो सेम रेडिकल प्लेन है दोनों का, इस करके अगर वो एक स्फीयर को वहां से कट कर रहा है तो वो दूसरे स्फीयर को भी वहां से कट करेगा, और दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ सर्कल. सो अब हम यहाँ पे बात क्या आ रही है कि हमें शो करना है कि वो सर्कल बना रहा है. अगर वो सर्कल ना बना रहा होता तो प्लेन क्या करता, तो प्लेन उसके ऊपर टेंजेंट फॉर्म करता. टेंजेंट फॉर्म करता तो कौन सी कंडीशन हमारे दिमाग में आ जाती है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो इसका मतलब अगर मुझे शो करना है कि वो स्फीयर, दोनों स्फीयर्स को जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम, तो वहां पे सर्कल फॉर्म हो रही है, तो सर्कल जो है फॉर्म करने के लिए इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड कि पी जो है वो आर के, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया तो इट इज अंडरस्टूड कि वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा. सो अगर वो टेंजेंट नहीं बना रहा, सर्कल बना रहा है वहां पे प्लेन कट करने पे, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड नॉट बी इक्वल टू रेडियस, आइदर इट शुड बी ग्रेटर, ग्रेटर चलो नहीं होगा क्योंकि हम कट करना चाहते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए रेडियस से हमारा. ठीक है. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे हम इसका, जिसमें हमें क्या करना है, रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करना है. सो रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करने का प्रोसेस हमने देख ही लिया कि वी हैव टू स्फीयर्स से एस वन और एस टू. जब भी हम स्फीयर को सॉल्व करते हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि वहां पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, पहली बात वो इक्वल होने चाहिए, दूसरी बात वो वन के बराबर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस में प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिकली कई बार हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें तीन कंडीशंस बतानी है कि जिससे हमें पता लगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्फीयर फॉर्म कर रही है. तो वो तीन कंडीशंस होती ही क्या है, सबसे पहली कंडीशन कि वो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन कि वहां पे कोई मिक्स टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी टर्म जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जैसी हमें दिख रही हो, ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए हमारे पास. ठीक है. तीसरा हमें क्या चीज चाहिए होती है वहां पे, कि एक्स के वाई स्केयर जेड स्केयर का कोएफिशिएंट पहली बात इक्वल होना चाहिए और दूसरी बात वो वन के बराबर होना चाहिए. सो हमने यहाँ पे टू से अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया. सो एक आगे हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन वन और एक आगे स्फीयर की इक्वेशन टू, दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया. जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा रेडिकल प्लेन आ गया, दैट इज 4x माइनस 3y माइनस 12z प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कवर्ड. एंड नाउ इन द सेकंड पार्ट व्हाट वी हैव टू शो, दैट कि दो स्फीयर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल पे. अब मेरे पास कुछ और है नहीं है गिवन इक्वेशन के हिसाब से, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यही जो रेडिकल प्लेन है इसी को उन स्फीयर्स को क्या करना होगा, कट करना होगा, तभी सर्कल जो है वहां पे क्या होगा, क्रिएट होगा. ठीक है. तो इन दैट केस हमें क्या शो करके दिखाना है, अभी बताया आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ओनली देन सर्कल जो है वहां पे क्या होगा, क्रिएट होगा. सो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, स्फीयर की सेंटर फाइंड आउट कर लिया. जो पहला स्फीयर हमें दे रखा था हमने उसका क्या फाइंड आउट कर लिया, पहला स्फीयर था हमारे पास यहाँ पे ये, तो इसमें माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करा तो वन आ गया, फिर y का कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y करा हमने यहाँ पे तो माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y वो जीरो हो गया, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ z करा तो वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे माइनस थ्री हो गया. ठीक है. सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया सेंटर अपने फर्स्ट स्फीयर का, और फिर हमने फाइंड आउट कर लिया उसका रेडियस बाय यूजिंग द रेडियस फॉर्मूला. ठीक है. अब हमें निकालना है क्या, सेंटर से उस पर्टिकुलर प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप कोई भी एक स्फीयर लेके चल सकते हो, डेफिनेटली फर्स्ट कम फर्स्ट, तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्फीयर को ले लिया, बट अदरवाइज ये जो रिजल्ट है ये बोथ द साइड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. तो मैं चाहूँ तो दूसरा स्फीयर लेके भी इसे कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली जो स्फीयर मुझे पहले दे रखा है मैंने उसे यहाँ पे यूज कर लिया. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. सो बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला हमने यहाँ पे पी को फाइंड आउट किया. तो जब हमने p फाइंड आउट किया तो वी हैव सीन दैट कि p क्या आ गया हमारे पास, 47 अपॉन 13 आ गया, जिसकी वैल्यू 4 से क्या है, छोटी है. 4 क्या था हमारा, रेडियस ऑफ ए स्फीयर था. नाउ इट इज क्लियर कि अगर जो दो स्फीयर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, हमने उन दोनों स्फीयर्स का कॉमन रेडिकल प्लेन फाइंड आउट किया है, और अगर वो प्लेन एक स्फीयर को
सर्कल पे कट कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा हो गया ना। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे, सो ये देखिए आप डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, रेडियस से छोटा होना चाहिए। रेडियस ऑफ स्फीयर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो इन दैट केस परपेंडिकुलर जो है वो उसके बराबर नहीं आया, वो उससे क्या आ गया, छोटा आ गया। अगर वो उससे छोटी आई है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो उसे कहीं से कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा। सो प्लेन मीट्स अ स्फीयर इन अ सर्कल एंड बिकॉज इट इज अ रेडिकल प्लेन, सो दोनों स्फीयर्स जो हैं दैट मींस वो वहां पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, सर्कल फॉर्म हो रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो दैट, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इसमें दो चीजें जो है वो हमसे पूछी जा रही है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज find the value of k such that the radical plane of the sphere, हमें k की value find out करनी है। x square plus sphere है हमारे पास यहाँ पे, x square plus y square plus z square plus 3x plus k y, यहाँ पे k जो y का coefficient है वो missing है, minus y 5 is equal to 0, और एक हमें एक और sphere दे रखा है यहाँ पे। पर हमें k की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, हमें इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि जो रेडिकल प्लेन है इन दोनों स्फियर्स का, दो स्फीयर्स दिए ना हमें यहाँ पे, जो रेडिकल प्लेन है इन दोनों स्फीयर्स का, वो इस स्फीयर को क्या कर रहा हो, मीट कर रहा हो एट वन पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के सच दैट द रेडिकल प्लेन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3x प्लस ky माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मे टच द स्फीयर। मतलब जो रेडिकल प्लेन इन दोनों फर्स्ट टू स्फीयर्स के द्वारा आ रहा है मेरे पास, वो क्या कर रहा हो, वो टच कर रहा हो इस तीसरे स्फीयर को, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें क्या चाहिए, रेडिकल प्लेन चाहिए, तभी हम रेडिकल प्लेन को क्या करेंगे, मीट करवाएंगे तीसरे स्फीयर को। रेडिकल प्लेन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कि हमने दो स्फीयर्स लिए, सपोज एक का नाम हमने s1 रखा, दूसरे का नाम s2 रखा, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, s1 माइनस s2। So, हमने दोनों स्फीयर्स देख लिए यहाँ पे, दोनों स्फीयर्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा आपस में, तो रेडिकल प्लेन क्या आ गया हमारे पास, रेडिकल प्लेन आ गया x प्लस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब ये रेडिकल प्लेन कर क्या रहा है, ये मीट कर रहा है थर्ड स्फीयर को एट वन पॉइंट। तो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको क्लियर किया था कि अगर वो कट कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर नहीं हो सकता, उससे उससे कम होना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में टच वर्ड भी लिख सकते थे, मीट एट वन पॉइंट भी लिख सकते थे, टेंजेंट भी लिख सकते थे, तो स्टेटमेंट्स जो है वो इसे अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो नाउ फ्रॉम हेयर रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन टू अस कि ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, अगर टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसे मीट करके जा रहा है। सो इन दैट केस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर शुड बी इक्वल टू ईच अदर। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 थी, यानी कि जो तीसरा स्फीयर था जिसपे वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, मैं आपको एक बार इक्वेशन दिखा देती हूँ फिर से, मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है, मैंने यहीं पे ही इक्वेशन में उसे 4 से डिनोट कर दिया। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उस स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट कर लिया ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सके। सेंटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ Z, so center is 1, 2, 0, और radius find out कर लिया radius के formula से, तो radius will be equal to 1. Now what we are going to do, we are going to find out the perpendicular distance from the center to the radical plane. वहाँ पे हमने perpendicular distance का formula use किया है. In order, if you want to see what is the formula for perpendicular distance, तो जो मेरे पहले दो तीन videos हैं, उन्हें आप watch कीजिए, उनमें मैंने इस चीज को explain किया अच्छे से, especially जो मेरा first video है on spheres. So, R जो है that should be equal to P. तो 1 जो है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर हो गया, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 2 को इस साइड ले जाएंगे। जब भी एक साइड अंडर रूट हो, दूसरी साइड कोई भी वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा स्केयरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। स्केयरिंग बोथ द साइड करने से जब आप सॉल्व करोगे सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 2,
प्लस माइनस अंडर द रूट 7 अपॉन 3. सो ये वैल्यू आ गई के की. सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स. हमें दो स्फीयर्स का सेंटर फाइंड आउट करना है विच टच द प्लेन. मतलब दो स्फीयर्स के हमें सेंटर्स निकालने हैं जो टच कर रहे हैं इस प्लेन को. 4x plus 3y is equal to 47 at the point 8, 5, 4 and the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1. So, जो स्फीयर हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना, जो स्फीयर हमें यहाँ पे चाहिए वो क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं प्लेन 4x plus 3y is equal to 47 को at one point that is 8, 5, 4. It means कि जो required sphere है और ये जो प्लेन है, प्लेन forms are tangent to the required sphere. अगर वो required sphere के ऊपर tangent form कर रहा है तो CP ऐसी दिखेगी हमें and center जो point है हमें एक पता है जिसमें से line pass कर रही है 8, 5, 4. और दूसरा हमें पता है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है क्योंकि हमने उसे हमें दे रखा है कि वो उसे टच कर रही है. अगर वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है तो जो हमारे प्लेन के डीआरस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे डीआरस बन जाएंगे. जो प्लेन में कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के वो हमारे क्या बन जाएंगे, डीआरस बन जाएंगे. तो अब डीआरस भी मुझे पता है, ये पॉइंट भी मुझे पता है जिसमें से लाइन पास कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन सीपी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स माइनस 8 अपॉन 4 y minus 5 upon 3 x minus 4 upon 0 is equal to k. So, यहां से अब definitely हमारे पास ये लाइन आ गई. तो इस लाइन में कोई ना कोई एक पॉइंट तो c भी होगा ना, तो इसलिए हमने कहा कि मान लो अगर ये k के बराबर है, r के बराबर है सॉरी, तो इन दैट केस सेंटर ऑफ अ रिक्वायर्ड स्फीयर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 r 5 प्लस 3 r कॉमा 4. और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस के फॉर्मूला से 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो रेडियस कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट सी पता है, हमें पॉइंट पी भी पता है, हम दोनों का आपस में क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना. तो 8 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 16 आर स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर. नाउ सिंस ये जो प्लेन है इट टचेस द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So, in that case, इसका सेंटर क्या हो गया, 0, 0, 0. आर क्या हो गया हमारा इसका, 1 हो गया, ठीक है ना. ये तो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है और जो ये वाला स्फीयर है, अगर ये आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो ये दो केसेस हमारे यहाँ पे क्या करने चाहिए, होल्ड करने चाहिए कि आर वन प्लस आर टू जो है क्या होगा, दोनों के सेंटर्स के, अगर मान लो वो दोनों एक्सटर्नली उन्हें मीट कर रहे हैं आपस में, कि मैंने दो स्फीयर्स लिए, दो स्फीयर्स आपस में, कि एक स्फीयर मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा स्फीयर यहाँ पे बनाया, और बीच में से रेडिकल प्लेन जो है वो एज ए टेंजेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों का जो सेंटर्स का डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होना चाहिए. अगर वो उसे एक्सटर्नली मीट नहीं कर रहा, इंटरनली मीट कर रहा है, तो उसके अंदर बन जाएगा स्फीयर. पहले एक बड़ा सा स्फीयर बना, फिर उसके अंदर एक छोटा स्फीयर बन गया जो उसे वन पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है. तो उस केस में जो सी वन सी टू का डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, आर वन माइनस आर टू के बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो हम सी वन और सी टू हमारे पास है, हमने वो फाइंड आउट कर लिया. सी वन हमारे पास ये था, सी टू हमारे पास क्या था, 0, 0, 0. यहाँ से हमने उनका डिस्टेंस निकाल लिया. आर वन और आर टू भी हमें दोनों स्फीयर्स के पता है. तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. जब स्केलिंग बोथ द साइड करके हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस अगर कर जाएंगी, आइदर 25 आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 आर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर प्लस 94 आर प्लस 105 हो जाएगा, या सिर्फ ये माइनस के साइन का यहाँ पे चेंज हो जाएगा. 25 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 आर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर प्लस 94 आर प्लस 105 के बराबर हो जाएगा, ठीक है. और इन दोनों इक्वेशंस में से 25 आर स्क्वायर 25 आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. जब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार आ जाएगी माइनस 26 अपॉन 21 और दूसरी बार क्या आ गई यहाँ पे, माइनस 1 आ गई. और इन दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे हमारे रिक्वायर्ड सेंटर में तो हमारे पास एक सेंटर आ जाएगा ये और दूसरा सेंटर हमारे पास आ जाएगा ये.
नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किया था उस दिन, वो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स होते हैं तो उन केस में हमारे पास जो उसके सेंटर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और उनका लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास तब एग्जिस्ट करता है जब उनका रेडियस क्या हो जाता है, हमारे पास जीरो के बराबर हो जाता है। सो उसके बेस पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज कि फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम डिफाइंड बाय द स्फीयर्स। दो स्फीयर्स ले लिए हमने जो कोएक्सियल सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोएक्सियल सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं तो हमें उनका पता है कि सेंटर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट मींस कि उनका रेडियस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इन दोनों स्फीयर्स को लिया और इन दोनों स्फीयर्स का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेडिकल प्लेन फाइंड आउट कर लिया। वो हमें पता ही है कि दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास रेडिकल प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रेडिकल प्लेन क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। अब कोई भी इस सिस्टम को बिलोंग करने वाला स्फीयर अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे बनेगा, कि मैं दोनों स्फीयर्स में से कोई एक इक्वेशन ले लूँ स्फीयर की। अगेन दोनों इक्वेशंस में से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, मैं फर्स्ट कम फर्स्ट वाली स्फीयर की इक्वेशन ले रही हूँ, प्लस के टाइम्स इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड स्फीयर क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के प्लस थ्री इंटू एक्स के माइनस थ्री इंटू वाई प्लस टू के जेड प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास सेंटर, ठीक है, माइनस के प्लस थ्री अपॉन टू, माइनस के माइनस थ्री अपॉन टू और माइनस के। यहाँ से हमने निकाल लिया रेडियस, रेडियस लिमिट क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट किसी भी कोएक्सियल सिस्टम का क्या हो सकता है, सेंटर ही हो सकता है ना, पॉइंट हो सकता है सिर्फ। तो हमने रेडियस को कर दिया जीरो के बराबर। सो रेडियस को जब हमने जीरो के बराबर किया तो वहां से हमारे पास आ गई के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई हमारे पास वन और माइनस वन। जब आप के की वैल्यू को वन और माइनस वन को सी में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जो लिमिटिंग पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं दैट आर आवर सेंटर्स, क्योंकि कोएक्सियल सिस्टम के सेंटर्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, एक ही उसमें लाइन में लाई कर रहे होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।